तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बढ़िया हो गए। तो मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि मैं भी ब्लॉग बनाऊंगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ब्लॉग के नए स्टार्टिंग में मैं एमपी के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। मैंने ब्लॉग बनाना इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो यहाँ तक कि मैंने पढ़ाई तो की नहीं है, पढ़ाई जीरो की है, उसी के मैं करता हूँ एक काम, और वो काम मैं करता हूँ टेंट का काम, और उसी के लाइफ स्टाइल ब्लॉग आपके लिए मैं देता रहूँगा इसी तरह। और कैसे लगाते हैं उसको, कितनी मेहनत लगती है, वो सभी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग मेरे ऊपर प्यार करोगे और सपोर्ट करोगे। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी भी इंसान को प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो आई होप आप सभी लोग इसी तरह मेरे ऊपर प्यार और सपोर्ट बनाए रखोगे। तो आपको पता होगा, जीवन में अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, उसको प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो आई होप आप सभी लोग इसी तरह मेरे ऊपर प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो आई होप आप सभी लोग बनाए रखेंगे। तो चलिए, फ़िलहाल अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अभी कहाँ पर खड़ा हूँ। कहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, मार्केट में, और यहाँ पर दुकान है हमारी टेंट की, और उसके बाद उसके पीछे थोड़ी सी गली सी जगह है। मतलब यहाँ पर जो के पत्थर वगैरह का काम होता है, इधर बेचते हैं जो दुकान है उनकी भी आगे है। और इधर क्या क्या सामान पड़ा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होगे, वो सामने हमारी दुकान है, उधर आगे की साइड रोड है, उधर मार्केट है, और इधर की साइड ना पीछे बसिया वगैरह पड़ा रहता है, जब तब बेचते हैं, इधर दुकान है उनकी, और इधर के काफ़ी सामान पड़ा रहता है उनका, और आगे की साइड जो दुकान है इधर। तो चलिए मिलते हैं, नज़ारा दिखा देते हैं आपको थोड़ा बहुत इधर का। मेरे ब्लॉग में आप लोगों को टेंट के कुछ अजब और गजब नज़ारे देखने को मिलेंगे सबसे हटके। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे ऊपर यूं ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग का, वेट करिए, अगले ब्लॉग में मिलते हैं।